बुढ़ापे से परेशान 80 साल के पति पत्नी ने एक साथ मरने की सोची। इसके लिए वे ट्रेन के आगे आकर लेट भी गए, लेकिन स्पीड कम होने की वजह से दोनों की जान बच गई। वहां मौजूद लोगों ने जब उठाया तो कहने लगे, हमें अब नहीं जीना है। दोनों से समझाइश कर वृद्धा आश्रम भेजा गया है। मामला अलवर शहर के हसन खां के पास डबल फाटक का है। ट्रेन की स्पीड कम थी, इसलिए दोनों की जान बच गई। जानकारी के अनुसार 42 साल के बाबू सिंह और 80 साल की छोटी देवी 10 साल से अलवर में रह रहे हैं। बाबू सिंह चौकीदारी करते हैं। दोनों भरतपुर के कुम्हेर के किशनपुरा गांव के रहने वाले हैं। दोनों के संतान नहीं है, ऐसे में अलवर शहर में ही झुग्गी बनाकर अपना ठिकाना बना लिया। बाबू सिंह ने बताया कि उम्र के इस पड़ाव में उन्हें संभालने वाला कोई नहीं है। अब वे चौकीदारी करके थक चुके हैं। उन्हें लगा कि दोनों में से यदि किसी एक की पहले मौत हो गई तो उनका जीवन आगे कैसे निकलेगा। ऐसे में दोनों ने साथ में मरने की सोची। इस पर वे हसन खां फाटक से 200 मीटर आगे पहुंचे और पटरी पर सो गए। रेलवे के इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के ट्रेडमैन मुकेशन ने बताया कि सुबह 8 बजे जयपुर से करीब रथ ट्रेन आ रही थी। स्पीड करीब 30 किलोमीटर प्रति घंटा थी। जब फाटक से नजर पटरी पर पड़ी तो देखा कि दोनों लेटे हुए थे। इस पर वहां पहुंचे और दोनों को हटाया। इंजीनियर विभाग के ट्रेडमैन के पद पर काम करने वाले मुकेश कुमार इस घटना के प्रत्यक्षदर्शी ही नहीं बल्कि उस बुजुर्ग दंपति को नया जीवन देने वाले भी हैं। मुकेश ने बताया कि हम डबल फाटक पर पटरी दुरुस्तीकरण के काम में लगे थे, लेकिन अचानक पीपल के पेड़ के पास बूढ़े पति पत्नी पटरी पर सो गए। मैं तुरंत उनकी तरफ दौड़ा, लेकिन उससे पहले ही लोको पायलट ने ट्रेन को रोक दिया। बुजुर्ग को रेलवे की पटरी से हटाने के बाद सामाजिक कार्यकर्ता अश्वनी जावली को सूचना मिली। वे खुद शिवाजी पार्क थाने गए, जहां पुलिस से बातचीत की। इसके बाद बुजुर्ग को सम्मान के साथ डबल फाटक के पास स्थित गुरु नानक आसरा वृद्धाश्रम लाया गया। यहां दोनों को एक ही कमरे में रखा गया है। अश्वनी जावली ने बताया कि हमने बुजुर्गों की काउंसलिंग की है। हमने कह दिया कि आपके हम बच्चे हैं। एल्डर हेल्पलाइन ऐसे लोगों के लिए काम करती है, मैं भी उसका हिस्सा हूँ। कभी आँख हम चलाचार, मैं भी आँख हम चलाचार, लोग इस बार कितनी मुक्ति मिली। इतने सुंदर सुंदर गहने लाए, दुल्हन के रूप में चार चांद लगाए। के रिश्ते को और गहरा बनाए, समदड़िया आभूषण का जादू है छाए।